Hello, welcome you all to LawSeq. So from this week, our social legal affairs synopsis series will called Legal Essays for Judiciary and Law Exams. So this week we are going to discuss about legality of fantasy sports in India. So before we proceed, LawSeq ki ye kuch courses aur packages hai, inhi mein se ek course hai, lot of the courses jo ki hamari judiciary ki preparation ke liye hai. उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेस हैं. सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएंगी. तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स के आसपास सारा डिस्कशन हमारा रहेगा कि ये लीगल है या इंडिया में नहीं है, और कौन कौन से रूल्स है, रेगुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, दूसरे कोर्ट्स ने क्या जजमेंट दिया है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे. तो हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फैंटेसी स्पोर्ट्स होता क्या है. सो फैंटेसी स्पोर्ट्स आर ऑनलाइन प्रिडिक्शन गेम्स वेयर यू पुट टुगेदर अ वर्चुअल टीम ऑफ रियल स्पोर्ट्स प्लेयर. तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है. यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपनी प्रिडिक्शन गेम भी से हम कह सकते हैं, आपको वर्चुअली अपनी टीम पिक करनी पड़ती है. अब इस टीम जो आप पिक करेंगे उसमें रियल स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं. जैसे ये एक टीम पिक करी हुई है, इसमें आप जितने भी प्लेयर्स को देख रहे होंगे ये रियल स्पोर्ट्स प्लेयर है. उन पर आपको पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं. जैसे उसी में से आपको एक कैप्टन पिक करना पड़ता है, एक वाइस कैप्टन पिक करना पड़ता है, और उनकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे. आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और यही पॉइंट्स को हम फैंटेसी पॉइंट्स कहेंगे, और यही फैंटेसी पॉइंट्स को हम कन्वर्ट करके हमारे कैश प्राइज में ला सकते हैं. तो जैसे ये एक फैंटेसी टीम का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे जो शिखर धवन है उसको उनको कैप्टन पिक किया है, विराट कोहली को वाइस कैप्टन पिक करा हुआ है. तो रियल टाइम में जो इनका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे फैंटेसी पॉइंट्स उस प्लेयर को मिलेंगे जो ये वर्चुअल गेम खेल रहा है. तो यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो इसकी जो वैल्यू हुआ करती थी जून 2016 में, ये केवल 20 लाख हुआ करती थी. वही 2019 में, दिसंबर 2019 तक आते आते विद इन 3-4 ईयर्स ये 9 करोड़ हो गए. और वही ये एक्सपेक्टेशन लगाया गया है कि 2020 के एंड तक ये जो अमाउंट है ये 10 करोड़ क्रॉस कर देगा. तो अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 920 करोड़ था. वही ये प्रिडिक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 2400 करोड़ रहेगा. ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ये 32% की एक रेट से ग्रो हो रही है. वही हम जान सकते हैं कि IPL जो कि BCCI की प्रीमियर लीग है, इसके स्पॉन्सर जो हुआ करते थे वो बहुत बड़ी 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 कंपनियां होती है. ठीक है, जैसे हमने कुछ साल पहले हमने DLF देखा, फिर Vivo आया, तो अभी इस साल हमको ड्रीम इलेवन इसकी स्पॉन्सर दिखी. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रीम इलेवन जो कि कुछ ही साल पहले आई एक फैंटेसी स्पोर्ट्स टीम है वो इसकी स्पॉन्सर बन जाती है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास में कितना रेवेन्यू होगा, कितना प्रॉफिट उनका जनरेट होता होगा, ये कितने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, तो टोटल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस क्या होगा. तो इससे हमें एक अंदाज़ा, एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं. तो यहाँ पर अभी एक रिसेंट न्यूज़ हुई थी कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को निकाल दिया गया. तो ये पूरा मामला क्या था, ये कहीं ना कहीं फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है उससे रिलेटेड है. तो 18 सितंबर को कुछ टाइम के लिए गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को निकाल लिया था. उस पर पेटीएम गूगल प्ले स्टोर का ये कहना था कि वी डोंट अलाउ ऑनलाइन कैसीनोस और सपोर्ट एनी अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग एप्स दैट फैसिलिटेट स्पोर्ट्स बैटिंग. दिस इंक्लूड इफ एन ऐप लीड्स कंज्यूमर टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट दैट अलाउज देम टू पार्टिसिपेट इन पेड टूर्नामेंट्स टू विन रियल मनी और क्रैश प्राइजेस, इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ आवर पॉलिसी. तो गूगल प्ले स्टोर का ये बोलना था कि ये हमारे जो एक पॉलिसी बनी हुई है इसका वायोलेशन करते हैं, उसके चलते ही हमने इसे प्ले स्टोर से निकाला. तो यहाँ पर बात ये थी कि जैसे आपको पता है पेटीएम जो कि एक कैश ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म है, तो उन्हीं के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज है. तो वैसे ही पेटीएम फर्स्ट गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए. ये पेटीएम फर्स्ट गेम का जो पूरा कंसेप्ट था ये ड्रीम इलेवन या
सर्कल 11 जैसे गेम्स होते हैं, जैसे एप्स बनाए हुए हैं, उनके बेसिस पे था। तो पेटीएम ने अपना ये एक्सटेंशन करा, तो आप पेटीएम के ऐप पे जाके इस पे डायरेक्ट हो सकते थे। तो इसे ही एक वॉयलेशन माना, क्योंकि यहाँ पर आप रियल मनी या कैश प्राइजेस जीत सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि स्पोर्ट का बैटिंग है वो तो इंडिया में बैन है, फिर पेटीएम फर्स्ट गेम जो है वो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर कैसे आ गया? क्या जितनी रेगुलेटरी चीज़ें थी, क्या जितने लॉ थे प्रीवियसली, क्या इन्होंने इसको पास कर दिया? तो इसका आंसर हमको आगे मिलेगा। सो बात वहाँ पर यही आ जाती है, इस फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल इन इंडिया? क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में लीगल है? तो इसका आंसर है हाँ, ये लीगल है। एज पर इंडियन लॉ, फैंटेसी स्पोर्ट्स आर अलाउड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट असम, ओडिशा एंड तेलंगाना। तो ऑल ओवर इंडिया ये अलाउड है, लीगल है, एक्सेप्ट असम, ओडिशा एंड तेलंगाना। उसके अलावा इसकी जो लेजिटिमेसी है वो कहाँ से आती है? सो लेजिटिमेसनेस इज एक्सपोज टू वेदर द गेम क्वालिफाइज एज अ गेम ऑफ स्किल और अ गेम ऑफ चांस। तो यहाँ पर ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, उसके बेसिस पे इसकी लीगैलिटी चेक की जाती है, उसकी लेजिटिमेसी चेक की जाती है। सो गेम ऑफ चांस फॉल अंडर गैम्बलिंग एंड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट गैम्बलिंग एक्ट्स। तो जो गेम ऑफ चांस रहते हैं ये हमारे इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसे बैटिंग के रूप में माना जाता है। अलग अलग जो स्टेट के लॉज हैं गैम्बलिंग लॉज, उससे ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि डू वी हैव एनी लॉ दैट सेपरेट्स गैम्बलिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स? तो आंसर है यस, वी हैव अ लॉ। जो लॉ है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, जिसका नाम है द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। तो यहाँ पर आप ट्रेस कर सकते हैं, ये जो हमारे पास में एक पर्टिकुलर कानून है, लॉ है, अप्रोक्स 150 ईयर्स ये पुराना है। तो ये काफ़ी एक शॉर्ट एक्ट है जिसमें 18 सेक्शन से, उसका सेक्शन 12 कहता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन गेम्स। तो कहाँ पर ये एक्ट नहीं अलाउ होता है? तो इट क्लियरली स्टेट्स नथिंग इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंटेन शैल बी हेल्ड टू अप्लाई टू एनी गेम ऑफ मियर स्किल वेयर एवर प्लेड। तो जहाँ पर भी गेम ऑफ स्किल की बात आती है वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, और जहाँ पर गेम ऑफ चांस की बात आती है वहाँ पर ये द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 अप्लाई होता है। सो दैट मीन्स फैंटेसी स्पोर्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ स्किल बेस्ड गेम्स आर एक्सक्लूडेड। तो जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है इसे हमने स्किल बेस्ड गेम माना है, इसलिए इस एक्ट से एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो कोर्ट में तो मामला जाना है, तो यही क्वेश्चन जो है वो हमारी जुडिशरी के सामने आया। ये जो पर्टिकुलर केस लॉ थे, जो केसेस हुए, उसे हम ड्रीम 11 जजमेंट भी कहते हैं। तो वरुण गुम्बर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सबसे पहला केस था जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गया। उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक केस गया है, दैट इज गुरदीप सिंह सच्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो ड्रीम 11 है दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। ये बेसिस के लिए उन्होंने जो रिस्पोंडेंट कंपनी थी उनके सबमिशंस पे रिलाई करा, जो कहते हैं यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय कंसिडरेबल स्किल जजमेंट एंड डिस्क्रिशन वाइल ड्राफ्टिंग देयर फैंटेसी टीम। तो आप जो एक वर्चुअल टीम पिक करते हैं उसके लिए ज़रूरत है स्किल की, जजमेंट की और डिस्क्रिशन की। दूसरा जो पॉइंट कहा गया वो ये है कि यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी रूल ऑफ द गेम एंड द पॉइंट सिस्टम डिप्लॉयड बाय फैंटेसी ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो यूज़र खेल रहा है उसको देखने की ज़रूरत है कि गेम का रूल क्या है, ठीक है, कितने पॉइंट किसको अलॉट किए गए हैं फैंटेसी ऑपरेटर के द्वारा। तो ये सारा स्टडी करने का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। उसी से सक्सेस अराइज आउट ऑफ यूजर्स एक्सरसाइज सुपीरियर नॉलेज जजमेंट एंड अटेंशन। तो यहाँ पर सुपीरियर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे गेम ऑफ स्किल समझा गया। उसके बाद में जब ये मामला, जब ये पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड दिस डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट सेड हाँ दिस रिक्वायर्ड जजमेंट कंसिडरेबल स्किल एंड
डिस्क्रिशन। इसीलिए ये गैम्बलिंग जो हमारा एक्ट है उसके परव्यू से बाहर है। तो यहां पर अगली बात ये आती है, आर देयर सेपरेट गैम्बलिंग और बैटिंग गेम लॉज अक्रॉस स्टेट्स? तो आंसर इज यस। तो स्टेट लिस्ट जैसा आपको पता है शेड्यूल 7 जो है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन सा मैटर किसके पास जाएगा, कौन किस पे लॉज बना सकता है, तो स्टेट के पास में ये पावर है कि वो बैटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड लॉज बना सकती है। तो स्टेट लिस्ट जो कि हमारा लिस्ट 2 है उसकी एंट्री 34 ये कहती है। तो यहाँ पर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 दैट इज द सेंट्रल एक्ट, सो दिस इज सेम एज इट इज एडॉप्टेड बाय सर्टेन स्टेट्स। तो जहाँ पर स्टेट्स ने लॉ नहीं बनाया है वहाँ पर सेंट्रल का लॉ अप्लाई होता है। देयरफॉर दिस द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट अप्लाइज टू मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स एंड द अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव इनेक्टेड देयर ओन लेजिस्लेशन टू रेगुलेट गैम्बलिंग एक्टिविटी विद इन इट्स टेरिटरी। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खुद के स्टेट लॉज बना के रखे हैं जो कि गेमिंग और गैम्बलिंग की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है उनकी स्टेट की टेरिटरी में। सो वॉट अबाउट ऑनलाइन गैम्बलिंग लॉज? तो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग लॉस है उनके बारे में क्या? सो स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि ऑनलाइन बैटिंग को इलीगल एक्टिविटी बनाता है। स्पेसिफिकली एक्ट नहीं है, हम इंटरप्रेट करके द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 में उसको रख सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी पर्टिकुलर एक्ट हमारे पास में नहीं है। हाँ, यहाँ पर स्टेट ऑफ जो सिक्किम है ये एक स्टेप अहेड है, इनके पास में लॉ है दैट रेगुलेट द ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बैटिंग। तो इट्स कॉल्ड सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2008। तो 2008 का जो एक्ट है सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट, ये लॉ फॉर ऑनलाइन गेमिंग एंड स्पोर्ट्स बैटिंग के लिए है। उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करता है ऑनलाइन गेम्स एंड स्पोर्ट्स गेम्स विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम थ्रू इंटरनेट गेमिंग टर्मिनल। तो सिक्किम जो है रिस्ट्रिक्ट करता है इस टाइप के केसेस को। अब यहाँ पे लास्ट में जब हमारा डिस्कशन के लास्ट में हम आते हैं तो बात आती है कि द वे अहेड क्या है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द चैलेंजिंग लीगल लैंडस्केप इन इंडिया, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस अंडर द एक्ट मे प्रोवाइड एन एडेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एन ऑपरेटर। तो यहाँ पर जैसे हमको एक गूगल प्ले स्टोर का ही स्टेप दिखा, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में जैसे सिक्किम ने स्पेसिफिकली लॉ इनेक्ट करके रखा है, वैसे ज़रूरत है कि या तो एक सेंट्रल लेवल पे लॉ आए या जो हमारा 1867 का लॉ है उसमें ही कुछ अमेंडमेंट्स आए, उसे ही रिफॉर्म कर रिपील करके न्यू एक्ट लाया जाए, या हर स्टेट अपने लॉज को रिफॉर्म करे और एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करे जो कि एक एडेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देगा ऑपरेटर्स को, इवन उसके साथ में जो यूजर्स हैं उन्हें भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा। So, thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Seekho.